शुरुआत करते हैं नूह में। आपको बता दें वीएचपी की यात्रा को लेकर अब डीसी का बयान भी सामने आया है। डीसी ने कहा कि हमने यात्रा के लिए कोई इजाजत नहीं दी है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हमने कल के लिए सभी इंतजाम पूरे कर रखे हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है, फोर्स को तैनात किया गया है, इंटरनेट सेवाएं भी आपको बता दें वहां पर बंद रखी गई हैं। एसएमएस, बल्क एसएमएस की अगर बात की जाए तो बल्क एसएमएस भी नहीं भेजे जा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको बता दें, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। डीएलएड की जो परीक्षा थी नूह में, आपको बता दें उसको भी स्थगित कर दिया गया है। तो ये तमाम इंतजाम किए गए हैं नूह में। आपको बता दें कि जो हालात है एक बार फिर से तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं, क्योंकि ब्रजमंडल यात्रा निकाले जाने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि यात्रा को लेकर परमिशन नहीं मिली है, लेकिन वीएचपी का यही कहना है कि हम यात्रा निकालेंगे और यात्रा का स्वरूप छोटा होगा और कानून व्यवस्था बनाए रखना काम है प्रशासन का। भीड़ थी, लोगों का वहां से निकलना मुश्किल था, तो पुलिस का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है और आपको बता दें प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। डीसी की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि किसी तरह की यात्रा की कोई भी अनुमति नहीं दी गई है और प्रशासन की तरफ से इंतजाम पूरे किए गए हैं। धारा 144 लगाई गई है। भीड़ थी तरफ से कोई इस बारे में यात्रा के बारे में कोई परमिशन नहीं गई है। हमारी तरफ से किसी भी बाहर से कोई भी मूवमेंट होता है उसको आस पड़ोस के जिलों वालों में भी रोकने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ हमारे जो नाके हैं हर एक बॉर्डर पे वो लगे हुए हैं। आसपास के प्रदेशों में भी जहां से भी कोई मूवमेंट का है तो हम डीजीपी साहब की तरफ से उसमें संबंधित मीटिंग लिख के और प्रेस नोट भी जारी किया गया है उसके अंतर्गत। और हमने मीडिया के माध्यम से भी और सबके माध्यम से भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी लोग हैं जो बाहर से आना चाहते हैं तो मैं उनसे अपील रहेगी कि किसी तरह का मूवमेंट नूह में अलाउड नहीं है। आप सब लोग अपने अपने एरिया में जहां भी हैं वहीं आप अपने मंदिरों में रहें और मंदिरों में अपना जलाभिषेक जो करना है वो वहीं करें। यहां पर जैसे आज सीएम साहब ने भी कहा है और उनकी तरफ से भी अपील की गई है कि कोई भी तरह का मूवमेंट या कोई भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमने धारा 144 लगा रखी है और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से हर जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस पार्टीज अपॉइंटेड हैं। वो स्थानीय लोगों के साथ मिलके और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वहां पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रही है, पीस कमेटी की मीटिंग कर रही है, साथ ही साथ शांति बनाए रखने की अपील करी जा रही है। किसी भी यात्रा को हम अनुमति नहीं देंगे। हमारे पास 13 कंपनी पैरामिलिट्री की है जो कि डिप्लॉय है, 3 एचएपी की कंपनी है और 657 लगभग पुलिस पर्सनल्स हैं जो कि इस पूरे जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। कोई भी मिस एडवेंचर अगर करता है तो हम 188 के अंतर्गत धारा 144 का उल्लंघन के अंदर पर्चा दर्ज करेंगे। सर, स्कूल कॉलेजेस या मार्केट वगैरह खुले रहेंगे या बंद रहेंगे? देखिए, हमने उसमें अपनी तरफ से डायरेक्शन जारी